गिटार खरीदने के बाद सबके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि गिटार सीखे तो सीखे कैसे, या इसको कहाँ से शुरू करें। अगर आपके माइंड में भी सेम क्वेश्चन है तो आपके इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है मेरे इस गिटार बिगनर सीरीज में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ गिटार से रिलेटेड अमेजिंग टॉपिक्स। इसमें मैं आपको कहाँ से गिटार शुरू करें से लेके आप कैसे अपने खुद का सॉन्ग कंपोज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले चाहे आपने कभी गिटार प्ले भी ना किया हो, या आपको गिटार बेसिक्स प्ले किए हुए सालों हो गए हो, या आप अभी प्लान कर रहे हैं गिटार परचेज करने का, अगर आपके साथ भी सेम है तो आपके लिए वीडियो एंड ये सीरीज़ बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। बट आपको बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और कोई भी सीरीज़ की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप पहले ही फ्रंट रो के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो जैसे कि आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर फर्स्ट अपने बिगनर सीरीज का, जिसमें मैं आपको सिखाने दिखाने वाला हूँ दैट हाउ टू प्ले द टू इजीस्ट कॉर्ड ऑन गिटार। जी हाँ, और इसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा इन्हीं दो कॉर्ड्स पे आप अपना फर्स्ट सॉन्ग कैसे प्ले कर सकते हैं और कौन सा वो सॉन्ग होगा। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। वो जैसे हम करते रहते हैं ना 5 सेकेंड 10 सेकेंड का स्किप, वो बिल्कुल भी नहीं करना है यार, क्योंकि ये ऐसे लेसन्स हैं जो आपको बिगनिंग से आगे आगे लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो जो वो दो कॉर्ड्स आज हम करने वाले हैं वो है ई मेजर एंड ए मेजर कॉर्ड। ई मेजर एंड ए मेजर को आप ई कॉर्ड एंड ए कॉर्ड भी बोल सकते हैं। बट कॉर्ड सिखाने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कॉर्ड्स की डायग्राम को कैसे रीड करते हैं। कॉर्ड की डायग्राम आपको साइड पे डिस्प्ले पे शो भी हो रही होगी, तो इन डायग्राम्स को कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड्स तो बहुत हैं प्ले करने के लिए। आपको ई कॉर्ड भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, बी भी है, सी भी है, बट उन जो कॉर्ड्स का डायग्राम का फंडा वो सेम रहेगा। तो आपको वो कॉर्ड्स की डायग्राम को कैसे रीड करना है वो आपको सबसे पहले मैं सिखाता हूँ। अब कॉर्ड की डायग्राम आप देखो, सबसे पहले आपको नेक पोर्शन दिख रहा होगा, जो आप ये वाइट कलर का देख रहे हो इसको नेक बोलते हैं, नेक पोर्शन, जिसके बाद से आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे, दो तीन कॉलम्स। तो वो ये कॉलम्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, दो से तीन बने होते हैं, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं फ्रेट, फ्रेट नंबर फर्स्ट, फ्रेट नंबर टू, फ्रेट नंबर थ्री। इनके ऊपर लिखा भी होगा, उसकी मार्किंग भी हुई होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो बहुत सारे और भी आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये नंबरिंग हुई होती है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई थर्ड से शुरू हो रहा है तो वो यहाँ से होगा, अगर थर्ड फ्रेट लिखा है तो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है तो उसका मतलब है फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट एंड थर्ड फ्रेट में, ठीक है। अब उसके बाद आपको नीचे स्ट्रिंग्स दिख रही होंगी, छः लाइनें बनी हुई हैं। तो छः लाइनें नहीं हैं बेसिकली, वो स्ट्रिंग्स हैं। ये छः स्ट्रिंग हैं, जो आपकी थिनर स्ट्रिंग आ गई इसको बोलते हैं ई स्ट्रिंग। देन उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग को बोलते हैं बी स्ट्रिंग। देन दो थर्ड स्ट्रिंग आ गई उसको बोलते हैं जी जी स्ट्रिंग। देन उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग को बोलते हैं हम डी स्ट्रिंग। देन उसके बाद हम फिफ्थ स्ट्रिंग को बोलते हैं ए स्ट्रिंग। एंड लास्ट जो थिकेस्ट स्ट्रिंग है उसको भी हम बोलते हैं ई स्ट्रिंग। मतलब हमारी थिकेस्ट एंड जो थिनेस्ट स्ट्रिंग है उन दोनों को जो नाम दिया गया है वो है ई स्ट्रिंग। बाकी बीच में ई बी जी डी ए ई। तो इन स्ट्रिंग्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन स्ट्रिंग्स को याद नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आगे आगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, बट जो चीज़ आज की वीडियो में है वो नेक्स्ट वीडियो में शायद ना हो। तो आपको ये ना हो कि आप सेकेंड थर्ड लेसन देख रहे हो और आपको फर्स्ट लेसन में जाने की ज़रूरत है। तो इनको इसको प्रॉपरली रिवाइज़ करना है हमने चीज़ों को। तो आपको पता चल गया नेक पोर्शन आ गया, नेक के बाद आपके बने हैं फ्रेट्स, ठीक है। उसके बाद बनी है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के बाद अब आप देखो नेक के आपको आगे ही दिख रहा होगा जीरो या क्रॉस साइन होता है। कुछ डायग्राम में क्रॉस होता है, कुछ डायग्राम में नहीं होता है। जहाँ पे जीरो होता है वो आपको स्ट्रिंग्स को रखना होता है ओपन, ठीक है। और आपके लेफ्ट हैंड का क्या रूल है, आपके जो फिंगर्स होती हैं, जैसे कोई आपको कोई भी वीडियोस में आपको आगे आगे हम सिखाएंगे इंडेक्स फिंगर कहाँ रखनी है, रिंग फिंगर कहाँ रखनी है, तो वो कैसे आपको पता चलना चाहिए। जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। सेकेंड जो फिंगर होती है इसको बोलते हैं मिडल फिंगर, ठीक है। थर्ड जो फिंगर है इसको बोलते हैं रिंग फिंगर। एंड फोर्थ जो छोटी वाली फिंगर है इसको बोलते हैं पिंकी फिंगर। और ये थंब आ गया, ठीक है। तो आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि आपको मिडल फिंगर रखनी है सेकंड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे या सेकंड फ्रेट की बी स्ट्रिंग पे। तो वो चीज़ें आपके माइंड पे पहले ही चीज़ होनी चाहिए, नहीं यार ये हमने वहाँ पे फर्स्ट लेसन में सीखा था, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि हम ये बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आपको डायग्राम्स का फंडा थोड़ा समझ आ गया। अब जैसे आप देखो कि ई ई कॉर्ड जो प्ले हुआ है वो कैसे हुआ है, तो ई कॉर्ड में अब आपको बताना चाहूँगा ई कॉर्ड कैसे है। अब आपको इंडेक्स फिंगर जो है वो आपको रखनी है फर्स्ट फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पे, जो कि आ गया आपका जी स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या आ गया, फर्स्ट फ्रेट आ गया एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड स्ट्रिंग आ गई। अब आपको जो मिडल फिंगर है वो आपने रखनी है सेकेंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ए स्ट्रिंग पे। ठीक है, और आपकी जो थर्ड स्ट्रिंग, थर्ड जो आपका रिंग फिंगर आ गई, वो आपने रखनी है सेकेंड फ्रेट की ही फोर्थ स्ट्रिंग पे, जो कि आपके आ गया डी स्ट्रिंग। तो ये क्या बन गया आपका ई मेजर कॉर्ड। अब ई मेजर कॉर्ड आपने प्ले तो पकड़ तो लिया, बट उसको प्ले करने के लिए आपको स्ट्रिंग सिक्स की सिक्स स्ट्रिंग्स आपको प्ले करनी है, क्योंकि ई में बेस नोट आ जाता है हमारा ई, जो हमारा थिकेस्ट होता है। तो हमको ये छः की छः स्ट्रिंग्स प्ले करनी है, हर कॉर्ड में छः की छः नहीं प्ले करनी होती, ये याद रखना। तो ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो ये आ गया हमारा ई मेजर कॉर्ड और ये ऐसे साउंड करता है। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा शेप्स होती हैं ई मेजर कॉर्ड की, बट अभी हम बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें सीख रहे हैं, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं। तो ई मेजर कॉर्ड हम ऐसे पकड़ते हैं। अब जैसे आप कॉर्ड पकड़ना शुरू करोगे, जब आप अपनी गिटार लाइन शुरू करोगे, आप कॉर्ड्स में जाओगे, आपको जो प्रॉब्लम फेस होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपको कहीं पर बस जैसी साउंड आ सकती है, जैसे ये है, या आपको म्यूट म्यूट ऐसे ऐसे ऐसी सी साउंड आ सकती है, क्योंकि एक तो आपने उसको प्रॉपरली प्रेस नहीं किया हुआ। हमारी भी जो फिंगर्स हमने रखनी होती है स्ट्रिंग पे, वो कभी भी ऐसे नहीं आएगी, वो ऐसे आएगी। जो हमारी टिप होती है उसको हमें ऐसे प्रेस करना पड़ता है, ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है, और जितनी ज़ोर से आप प्रेस करेंगे उतनी वो अच्छी साउंड देगा। और ट्राई कीजिएगा कि फ्रेट के सेंटर से ना उसके एंड पॉइंट से उसको पकड़ें। ठीक है, जैसे हम सेंटर से पकड़ लेते हैं तो आपकी बस साउंड आ सकती है, अदरवाइज़ अगर आप उसके फ्रेट के एंड पॉइंट और इसके पहले पकड़ लें तो उससे पहले आपकी साउंड बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। बट आपको जो पहले मैंने बात बताई है, स्ट्रिंग्स को ज़ोर से पकड़ना है और पुश करना है फ्रेट की तरफ, ताकि उतनी ही ब्यूटीफुली वो साउंड करें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ई मेजर कॉर्ड। अब ई मेजर कॉर्ड को आपको प्रैक्टिस करना है कम से कम 10 से 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं है, हार्डली 5 टू 10 मिनट्स या 15 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, और इसके बाद हमने शिफ्ट करना है ई मेजर टू ए मेजर कॉर्ड। अब ए मेजर कॉर्ड भी बहुत ईजी है। ए मेजर, जैसे हमने इस वाली इंडेक्स फिंगर को छोड़ दिया और ये जो दो स्ट्रिंग्स थी ये हमारी साथ में ही थी ना, जैसे फोर्थ और फिफ्थ है, इसके साथ हमने पिंकी फिंगर को भी जोड़ दिया। अब तीनों फिंगर्स को हमने एक साथ जोड़ के रखना है सेकंड फ्रेट की बी जी एंड डी। तो आपको याद करना पड़ेगा बी जी एंड डी कौन सी स्ट्रिंग्स हैं। जी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग्स को आपको प्ले करना है। और अब इसमें बेस नोट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा फिफ्थ स्ट्रिंग। अब इसमें आपको छः स्ट्रिंग्स नहीं प्ले करनी है, इसमें आपको सिर्फ पाँच स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। तो आपको 5 4 3 2 1, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम 6 5 4 3 2 1, इसमें हम सिर्फ 5 4 3 2 1, क्योंकि इसमें हमारा बेस नोट ए आ गया। और ऐसी ही साउंड आपकी भी आनी चाहिए जब आप प्ले कर रहे हों। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसी साउंड ना आए तो उसका एक रीज़न हो सकता है, या तो वो गिटार ट्यून नहीं है, तो सबसे पहले आप गिटार को ट्यून कर लें। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आपकी, या तो आपने प्रॉपरली उसको प्रेस नहीं किया हुआ, या प्रेस किया हुआ है तो आप उसको बढ़िया तरीके से बजा नहीं रहे हो, या तो आप जैसे देखो जैसे ही साउंड आ रही है, या तो ऐसी आ सकती है, या तो बिल्कुल म्यूट आ सकती है। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल पुश करना। आपको थोड़ा सा दर्द होगा स्टार्टिंग में, बट उस दर्द को आपको थोड़े टाइम के लिए झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आप ये दर्द, अगर आपको दर्द लगने लग पड़ेगी तो हफ्ते 10 दिन में आप गिव अप कर दोगे, इतनी गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये दर्द थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। तो आपको दो कॉर्ड्स हमने अभी आज सिखाए हैं, वो है ई मेजर एंड सेकेंड है ए मेजर। अब इसमें शिफ्टिंग हमने सीखनी है। शिफ्टिंग कैसे करनी है, हमने जैसे हमने ए मेजर रखा और ए मेजर,
और काफ़ी लोग जैसे बिगनिंग करते हैं, अपने गिटार शुरू करते हैं, तो वो ऐसे झुक के देखने लग पड़ते हैं। तो आपको झुक के कभी भी नहीं देखना, आपको ऊपर फ्रेट मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ता है कौन से फ्रेट पे, कौन सी स्ट्रिंग पे कैसे रखना है। तो इस चीज़ की थोड़ी सी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ये चीज़ें बेटर होती जाएंगी, ठीक है। तो आपको ई मेजर टू ए मेजर, पहले आपको ई मेजर पकड़ने का प्रैक्टिस करना है, देन छोड़ना है, देन आप उसके बाद प्लेस करना है, देन छोड़ना है, देन प्लेस करना है, देन छोड़ना है, देन प्लेस करना है, ये आपको करना है 15-20 टाइम्स। देन सेम चीज़ आपको करनी है ए मेजर के साथ, प्ले करना है स्ट्रिंग्स को, प्ले करना है 5-4-3-2-1, देन छोड़ना है उसको, देन कोशिश करनी है फिर से पकड़ने की, देन छोड़ना है, देन पकड़ने की, देन छोड़ना है। तो उसमें आपकी क्या होगी, वो स्पीड बन जाएगी ई मेजर और ए मेजर को पकड़ने के। देन जब आप शिफ्टिंग करोगे तो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कॉर्ड शिफ्टिंग में आती है। जब आप सॉन्ग्स प्ले करते हो, रिदम प्ले करते हो, तो आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ भूलती है वो है आपकी कॉर्ड शिफ्टिंग। तो हमने वो पहले ही परफेक्ट कर लेनी है अपनी, ठीक है। तो ई मेजर हमने 15-20 बार ट्राई किया, छोड़ा पकड़ा, छोड़ा पकड़ा। देन उसके बाद हमने ए मेजर सेम ट्राई किया, छोड़ा पकड़ा। देन हमने ई मेजर दो बार छोड़ा, दो बार पकड़ा। देन हमने ए मेजर पे शिफ्ट करके दो बार छोड़ा, दो बार पकड़ा। देन हमने 1-1 पे आ जाना है, ई मेजर ए मेजर, ई मेजर ए मेजर, ई मेजर ए मेजर, ई मेजर ए मेजर, ठीक है। तो ऐसे करके आपने अपनी शिफ्टिंग को पहले ही ईजी बना लेना है। अब इसके बाद आपको स्ट्रमिंग, अभी इस वीडियो में आपको स्ट्रमिंग नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि स्ट्रमिंग का जो लेवल है वो थोड़ा हाई है। तो फर्स्ट वीडियो में हम सिर्फ कॉर्ड्स रखते हैं एंड स्ट्रिंग्स को प्ले कर ही रहे हैं, स्ट्रमिंग का ही काम करते हैं। आप अनप्लग जैसे सुनते हैं सॉन्ग्स, उनमें यही सारी चीज़ें प्ले होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रमिंग को अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे लेके जाते हैं, बट आपको सॉन्ग्स जैसे इस सॉन्ग, इन दो कॉर्ड्स पे आप कौन सा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपने बहुत कॉमन सा सॉन्ग है हैप्पी बर्थडे, वो आपने सुना ही होगा। वैसे तो वो तीन कॉर्ड्स पे प्ले होता है, बट इस वीडियो में आपको बेसिक, आपको एक इंटरेस्ट बनाने के लिए, चाहे आप जैसे कोई फर्स्ट वीडियो सीख रहा है तो फर्स्ट वीडियो में लगता है यार हमने 10 मिनट की वीडियो देखी, 12 मिनट की वीडियो देखी और हमने फर्स्ट सॉन्ग सीख लिया, तो एक इंटरेस्ट आ जाता है कि नेक्स्ट वीडियो में भी हम बढ़िया करेंगे। तो आपको बस ये करना है कि इसमें ए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सीखना है, तो वो शुरू होता है ए मेजर से। तो आपको प्ले करनी है ए मेजर पे 5 स्ट्रिंग्स और ई मेजर पे 6। तो कैसे प्ले करना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कैसे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू, शिफ्ट टू पे करना है हमने शिफ्ट यू, कैसे, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू पे हमने शिफ्ट करना शुरू करते ना, और यू पे हमारा प्रॉपर ई मेजर बनना चाहिए। देन हमारा हैप्पी बर्थडे टू, फिर हमारा ई मेजर पे रहेगा, देन टू पे हमने शिफ्ट करना, देन वापस हमने जाना है ए मेजर पे, देन यू हमारा बचेगा ए मेजर पे, देन हैप्पी बर्थडे टू यू। सो कैसे, फिर से रिपीट करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, देन हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, देन कैसे, ए मेजर पे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, देन उसके बाद हमने दो बार हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, देन उसके बाद ई मेजर पे, हैप्पी बर्थडे, एक बार ए मेजर पे, ई मेजर पे सॉरी, देन हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड हमने करना है ए मेजर पे। तो कैसे, हैप्पी बर्थडे टू यू, फास्ट करना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा कि यार बस 10 से 12 मिनट में ही हमने ये सारी चीज़ें सीख ली और फर्स्ट सॉन्ग भी सीख लिया। तो ये सिर्फ फर्स्ट सॉन्ग का एक लेवल है, आपको बहुत आगे तक जाना है। बट आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको नहीं पता कौन से सेकंड में मैंने कौन सी चीज़ बता दी और नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको फिर से मेंशन करूँ, आप बोलो यार ये चीज़ तो सीखी नहीं थी। तो आपको कहीं से भी कोई भी सेकंड को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो अब करना क्या, बस आपको ये सारी चीज़ों की करनी है प्रैक्टिस। आपको हार्डली 2-3 घंटे चाहिए और 3 घंटे में आप ये फर्स्ट सॉन्ग सीख जाओगे। मैं मैक्सिमम लेवल बता रहा हूँ, अदरवाइज आप आधे घंटे 1 घंटे में भी सीख सकते हो, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं होता,
प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, सब कुछ ईजी बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा ई मेजर, देन कॉर्ड डायग्राम्स को कैसे रीड करना है, देन उसके बाद हमने सीखा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना ईजी है बेसिकली गिटार प्ले करना। ठीक है, तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए आप कर लो चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और प्रेस कर लो बेल आइकन को ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे रेगुलरली। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वाला लेवल होगा, देन बट उसके लिए आपको ये चीज़ों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके नेक्स्ट में ही हम इसी चीज़ को ऐड करके इसका नेक्स्ट वाला पार्ट हम करेंगे। तो तब के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड टू लर्न सम ग्रेट स्किल्स।